रक्षाबंधन हमारे देश का एक प्राचीन त्योहार है। इस दिन बहन भाई के लिए मंगल कामना करती हुई उसे राखी बांधती है और भाई उसे हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन देता है। यह भाई बहन के पावन स्नेह का त्योहार है, कब मनाते हैं। यह त्योहार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे सारे देश में रक्षाबंधन, श्रावणी, राखी और सलूनों आदि नाम से भी जाना जाता है। कैसे मनाते हैं? सभी बहनें अपने भाइयों को तिल करके उनकी कलाई पर मंत्र येन बधौ बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनु बद्रामि रक्षे माचल माचलः बोलते हुए राखी बांधती हैं। भाई भी अपनी बहनों को राखी बांधने के बदले में अपनी सामर्थ्य के अनुसार धनराशि तथा अन्य प्रकार के उपहार देते हैं। इस दिन धार्मिक विचारों के लोग नदियों में स्नान करते हैं, यज्ञ करते हैं तथा नया जनेऊ धारण करते हैं। ब्राह्मण लोग इस दिन अपने यजमानों के हाथ में राखी व धागा बांधते हैं और उनकी दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं तथा उनसे दक्षिणा प्राप्त करते हैं। इस त्योहार की कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां भी हैं। लोगों की भलाई के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मार दिया था। युद्ध में श्री कृष्ण की एक उंगली पर घाव हो गया था। उस उंगली से खून निकल रहा था। उस समय द्रौपदी वहां मौजूद थी और द्रौपदी सब देख रही थी। उसने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर बांध दिया। भगवान कृष्ण ने अपने पति द्रौपदी के मन की चिंता और प्रेम के कारण उन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अगर उसे भविष्य में कोई भी तकलीफ आई तो वे उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कुछ वर्षों बाद पांडव द्रौपदी को कौरवों से पासे के खेल में हार गए थे। दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण करने की कोशिश की तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को अपनी शक्ति से बढ़ा दिया ताकि दुशासन द्रौपदी के शरीर से साड़ी हटा न सके। जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर अपने पल्लू से कपड़ा बांधा था उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तब से इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। इस त्योहार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि जब शेरशाह सूरी ने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया था तब चित्तौड़ की महारानी करमवती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी थी। तब राखी के बंधन में बंधा हुआ हुमायूं अपने बैर भाव को भूलकर महारानी की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा था। आजकल रक्षाबंधन का यह त्योहार केवल एक परंपरा का निर्वाह मात्र रह गया है, परंतु हमें चाहिए कि हम रक्षाबंधन के पवित्र लक्ष्य को न भूलें तथा इसके वास्तविक स्वरूप को पहचान कर पूरी श्रद्धा व विश्वास से मनाते रहें।